आप देखिए, ये कल से हलवा बांटने की बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, झूठ के पैर नहीं होते। ये झूठ अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करते हैं, जैसे मदारी के कंधे। सर इसको देखिए, माननीय सभापति जी, झूठ सब के बजाय आप असत्य कहें। झूठ झूठ असल जदी है, उसको हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं मानते, असत्य कहें। माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन रूलिंग मिस्टर वेणुगोपाल जी, आई हैव गिवन रूलिंग। माननीय सभापति, असत्य के पैर नहीं होते, असत्य के पैर नहीं होते, और ये असत्य अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे ही राहुल जी के कंधे पर बंदर होता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे ही राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है, जिसे वो रोज यहाँ परोसते हैं ये बजट पर, सदन पर। माननीय सभापति जी, जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? मैं पूछना चाहता हूँ, हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूँ, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीव घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? पूजी स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कैम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ, इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप काइंडली एड्रेस दीजिए। माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। सर ये लीडर कांडी लिसन में। माननीय अध्यक्ष जी जवाब आपका दे रहा हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो होगा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने झूठ कहा था, मैंने उसको स्पंज कर दिया। झूठ कहा था उन्होंने, मैंने स्पंज कर दिया। अनुराग ठाकुर जी, सर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब संदी है, ठीक है, असत्य निराधार। जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। लीडर ऑपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आपसे, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए। उनकी बात खत्म हो जाए, उन्होंने इंसल्ट किया मुझे। उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, उनके बाद अवसर दूंगा आपको। बैठ जाए, आप बैठ जाए, अवसर दूंगा। उनकी स्पीच खत्म।
उनकी स्पीच खत्म हो गई, प्लीज आप बैठ, आप बैठ जाओ। अनुराग कल किस चीज को इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। अच्छा एक मिनट बैठ जा, एक मिनट बैठ जा, अब बैठ जा सर। एक मैं क्लैरिटी कर दूँ सर, मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए आप, मैंने एक मिनट बैठ जाए आप, सब लोग बैठ जाए। अच्छा आप सब लोग बैठिए, आप सब लोग बैठिए। चल अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ अब ये पर। इज इट फेयर इफ आई एम अलाउड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन? इज इट फेयर? नेक्स्ट फिर मैं उनको बुला लूँगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले बैठ जाए, पहले लोग बैठ जाए, पहले बैठाइए सर, सब लोग बैठ जाए, पहले सब लोग बैठ जाए तब मैं आपको अलाउ करूँ। सब बैठ जाए मैं आपको अलाउ करूँ, मैं आपको अलाउ करूँगा, सब बैठ जाए मैं अलाउ करूँगा। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे? मैं आपको अलाउ करूँगा, पहले सब बैठ जाए, हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी आप भी बैठ जाए, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, मैं आपको अलाउ बोलने दीजिए सर, ऐसा सर बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी, हमने समय दे दिया, अब आप बैठे, ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है, आपको हमने टाइम दे दिया। श्री अनुराग ठाकुर सर, मुझे लगता था कि इनको कहीं नहीं, कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना गन्ना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? अब फिर बोलना चाहते हैं आप? खड़े हो जाइए, आप फिर बोलना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो, आप लोग जाइए बिल से बात। एलओपी, एलओपी प्लीज, एलओपी आई एम गिविंग, तो आप बिल से तो जाइए सर। स्पीकर सर, अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूँ तो आप बेल खाली कर दीजिए। इतनी वर्षा वर्षा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है, यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। राहुल ने कह दिया, राहुल ने कह दिया, कह दिया। अभी हम अब आप अपने लीडर का सम्मान करें, हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूँ, आप अपने लीडर का सम्मान करें, हाउस के एलओपी हैं, और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूँ, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसरी मैं प्लीज बोल दी, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी आप लोग राहुल। स्पीकर सर बोलने का मन क्या? स्पीकर सर इस सर माइक नहीं, सर माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर मैं नाम भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर जो भी इस देश में दलितों की आदिवासियों की पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियाँ खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ
मच्छी की आंख दिख रही है, जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव 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 जी, नहीं गौरव जी, आप देखिए गौरव जी, आपको हमने समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी राहुल गांधी जी, ये तय कर ली मुझे, जब आप चाह रहे हैं बोलने, आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन, स्पीकर सर, सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली, मुझ पर गाली दी है, नहीं कोई मुझे सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई करूंगा, उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको एक्सपंज करूंगा। आप नहीं कर रहे हैं, सुन रहा हूँ। माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव जी बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, श्री अखिलेश सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति, तुम आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, आप हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले, कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है, आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही है। आप चेयर को एड्रेस करें अनुराग जी। सर मैं इतना ही कहूंगा और समाप्त करें। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं वो, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारे हिसाब लिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं सर, मेरे एक मिनट सर, सर मैं एक बात क्लियर कर दूं सर, मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए सर।